राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह का भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो बहुत ही हल्की और गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया गया है वो शर्मनाक है, भर्सना योग्य है और राजनीतिक शालीनता और मर्यादा की सारे सीमाएं लांघ गया है। मुझे नीतीश कुमार से सवाल करना है कि आपकी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करती है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की भारत के प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी क्या उचित है? ये देश के गरीबों का अपमान है, ये देश के पिछड़ों का अपमान है। आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करती है। और ये कौन सी सामंतवादी अहंकार की मानसिकता है जो भारत के प्रधानमंत्री के प्रति इस तरह से अपशब्दों का प्रयोग कर रही है, जिनका मैं उन शब्दों का मैं खुद दोहरा नहीं सकता हूं, मुझे भी शर्म आती है। ये हताशा है ललन बाबू की, यह हताशा है जदयू की, कहीं ना कहीं तलखी है, वो ये अपनी अंदर की बात है। लेकिन मुझे ललन बाबू से एक सवाल पूछना है। 2019 में जो मुंगेर से वो लोकसभा जीते हैं तो नीतीश कुमार के नाम पर जीते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के नाम पर जीते हैं? जरा मुझे बता दे तो, हम भी जानते हैं। 14 में लड़े थे ना अकेले, दो हो गए थे ना, खुद हार गए थे और बाद में आए। और दूसरी बात, ये उनकी पूरी टिप्पणी कोई नई नहीं है, ललन सिंह वही हैं जो चारा घोटाले में पिटिशनर थे, याद होगा आपको। 5 मामलों में लालू जी और सहयोगियों को सजा हो गई है, आज वो उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं। पूरे रेलवे घोटाले को लेकर वो काफी सक्रिय थे, जमीन दो और रेलवे नौकरी प्राप्त करो, जब लालू जी थे रेल मंत्री। आज वो कहते हैं सब फरेब है, सब झूठा है। तो ललन बाबू कैसे पाला बदल रहे हैं भ्रष्टाचार पर, ये तो देश देख रहा है। लेकिन जैसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में किया है, उसमें बहुत भर्त्सना करता हूं, ये शर्मनाक है। आज तक आजाद भारत में भारत के प्रधानमंत्री कोई भी हो, उनके बारे में इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की गई है, और वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। ये बहुत गंभीर बात है, देश की जनता इसका जवाब देगी, प्रदेश की जनता भी इसका जवाब। यार सीएम बोलते हैं कुछ भी हो जाए देयर इज नो चांस ऑफ कमबैक इन बीजेपी, ऐसा है? इस पर तो हम लोग बोल चुके हैं और हमारे वरिष्ठ नेता गृह मंत्री जी अमित शाह जी खुद पूर्णिया की रैली में बोल चुके हैं। और दूसरी बात, नीतीश बाबू बहुत बार पाला बदल लिए है ना, भाजपा में आए, केंद्रीय मंत्री बने अटल जी की सरकार में, लंबे रहे, फिर बिहार के मुख्यमंत्री रहे इतने 18 साल तक, मोदी जी के प्रति बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग भी किया, सम्मान भी किया, आज फिर चले गए। तो अब जहां गए वहीं रहे वो, हाँ, और जनता इसका जवाब देने को बैठी हुई है। आपके यहाँ मतलब कोई चांस नहीं है कि आप लोग भी वापस ले सकते हैं? नो क्वेश्चन।